लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए लौकी। यहाँ पर मैंने करीब आधा किलो लौकी ली हुई है, जिसे मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा जीरा और एक तेज पत्ता। यहाँ पे करीब 150 ग्राम बेसन का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और मसाले के लिए एक बड़े साइज की प्याज, एक छोटा टमाटर, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, चार लहसुन के पीसेस और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही यहाँ पर सारे पिसे मसाले रखे हुए हैं जिनका मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो चलिए लौकी के कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लौकी को एक छन्नी में रख देंगे ताकि इसका सारा पानी निथर जाए। इसे अच्छे से प्रेस कर करके इसका पानी निकाल देंगे। अब इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए अब हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ एक मिक्सर जार लिया हुआ है जिसमें मैं आधी प्याज को रफली चॉप्ड करके डालूंगी। उसके बाद ये मीडियम साइज का एक टमाटर, लहसुन के पीसेस, साथ ही ये हरी मिर्च भी इसमें डालकर पीस लूंगी। और यहाँ पर जो मैंने जीरा लिया हुआ है वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें करीब एक कटोरी पानी ऐड करेंगे। साथ ही मैं यहाँ मिक्सर जार में ही सारे मसाले ऐड कर दे रही हूँ। ये करीब एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, एक चम्मच जीरा गुलकी पाउडर, करीब आधी चम्मच हल्दी, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर और नमक आप टेस्ट अनुसार यूज़ कर सकते हैं। अब हम इनका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने मसाला पीसकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। ये फ्रेंड्स, लौकी का पानी एकदम अच्छे से निकल गया है। अब हम इस पानी को फेंकेंगे नहीं, इसे हम ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद सारे पिसे हुए मसाले, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा गोलकी और थोड़ा सा गरम मसाला, साथ ही थोड़ा सा नमक। अब पहले हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लौकी के बीज को नहीं निकाला है, अगर आप चाहें तो इसे अलग भी कर सकते हैं। मसाले लौकी में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। चलिए अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा सोडा यूज़ करेंगे। सोडा डालने से कोफ्ते अच्छे से फूल कर तैयार होंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा कोफ्ते का बैटर बनकर तैयार है। चलिए अब हम इससे कोफ्ते बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले हम कढ़ाई को गैस पर गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। इसमें ऑयल ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम कोफ्ते बनाना स्टार्ट करेंगे। कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हम हाथों को थोड़ा सा पानी से गीला कर लेंगे। उसके बाद इसमें छोटे छोटे कोफ्ते बनाकर ऑयल में डालेंगे। अब हम इन्हें पलट देंगे। कोफ्तों को दोनों तरफ से अच्छे से सेक कर तैयार कर लेंगे और बाकी के सारे कोफ्ते भी इसी तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर प्लेट में मैंने एक टिश्यू पेपर बिछा लिया है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसमें सोक हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे कोफ्ते सेक कर तैयार हैं। अब हम चलिए ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। सेकने के बाद हमारे पास कढ़ाई में जो थोड़ा सा तेल बचा हुआ है उसी से हम ग्रेवी तैयार करेंगे। सबसे पहले इसमें हम तेज पत्ता डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्याज हो चुकी है। अब हम इसमें जो हमने मसाला पीस कर तैयार किया था उसे ऐड कर देंगे। इसे लगातार चलाते हुए हम धीमी आंच पर पका लेंगे। साथ ही मैं यहाँ पर जो लौकी का पानी बचा हुआ था उसे इसमें मिक्स कर दूंगी। अब हम इसे धीमी आंच पर पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मसाला एकदम पककर तैयार हो चुका है। इसने साइड साइड में ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। चलिए अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। क्योंकि हम कोफ्ते बना रहे हैं तो हम इसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कोफ्ते बहुत ज़्यादा पानी सोखते हैं, इसलिए ग्रेवी को एकदम पतला कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। इसे करीब 5 मिनट ढक कर पकने देंगे।
देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी पककर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हम कोफ्तों को थोड़ी देर के लिए इसी तरह सोख होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया लौकी के कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।